आइए ललन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है ललन टॉप ऐप पर। अक्षय कुमार हेरा फेरी आवारा पागल दीवाना और वेलकम जैसी फ्रेंचाइज से अलग हो गए। पिछले दिनों खबर आई कि अब हेरा फेरी 3 में अक्षय की जगह कार्तिक आर्यन काम करेंगे। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अक्षय ने ये फिल्म पैसों की वजह से छोड़ी है। अक्षय के हेरा फेरी सीरीज की तीसरी किश्त के लिए 90 करोड़ रुपए की फीस मांगने की खबरें हैं। अब अक्षय ने खुद ही फिल्म छोड़ने की खबरों पर बात करके मामला साफ किया है। बॉलीवुड हंगामा में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अक्षय ने हेरा फेरी 3 के लिए 90 करोड़ रुपए मांगे, प्लस वो फिल्म के प्रॉफिट में भी हिस्सा चाहते थे, जबकि कार्तिक आर्यन वो फिल्म मात्र 30 करोड़ रुपए में करने को तैयार है। ऐसे में प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला को एक्टर की फीस में सीधे 60 करोड़ रुपए बच रहे थे, मगर अक्षय कुमार की फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स महंगे बिकते हैं। फिरोज जानना चाहते थे कि अगर फिल्म में अक्षय हैं तो उसके राइट्स कितने में बिकेंगे और कार्तिक की फिल्म के राइट्स कितने में बिकेंगे। मार्केट की थाह लेने के लिए प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला ने कुछ डिजिटल और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म वाले लोगों से बात की। इससे उन्हें ये पता चला कि अक्षय और कार्तिक की फिल्मों के राइट्स की कीमत में 15 करोड़ रुपए का फर्क है, यानी कार्तिक की फिल्म अक्षय की फिल्म से मात्र 15 करोड़ रुपए कम में बिकेगी। इसका मतलब उन्हें अक्षय को फिल्म में न लेने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा बल्कि 45 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसलिए हेरा फेरी 3 के लिए कार्तिक आर्यन को साइन कर लिया गया। हेरा फेरी सीरीज की कल्ट फैन फॉलोइंग है और अक्षय कुमार उस सीरीज की जान है। वो इसमें राजू का किरदार निभाते हैं। सोशल मीडिया पर तभी से हेरा फेरी 3 ट्रेंड कर रहा है। शनिवार को अक्षय कुमार हिंदुस्तान टाइम्स समिट 2022 में पहुंचे थे, जहां उनसे पूछा गया कि क्या ये सही खबर है कि वो हेरा फेरी 3 नहीं कर रहे हैं। अक्षय ने इसका जवाब हाँ में दिया। फिर उनसे इसके पीछे की वजह पूछी गई, जिसके जवाब में अक्षय ने कहा, मुझे भी दुख होता है कि इतने सालों में पार्ट 3 बन नहीं पाया, मगर जैसे मैंने कहा, मैं कई बार चीज़ों को तोड़ना पड़ता है। वो फिल्में मुझे ऑफर हुई थी मगर मैं स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं था। मुझे वो काम करना है जो जनता देखना चाहती है, इसलिए मैंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये मेरे जीवन और यात्रा का हिस्सा है। मैं भी इस बात से बेहद दुखी हूँ कि मैं ये फिल्म नहीं कर पा रहा, मगर जिस तरह से क्रिएटिव चीज़ें हुई उससे मैं खुश नहीं था। अक्षय कुमार पिछली बार फिल्म राम सेतु में नजर आए थे। आने वाले दिनों में वो कैप्सूल गिल, ओ माय गॉड 2, सेल्फी, सुरराई पोट्रू की हिंदी रीमेक और बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्मों में दिखाई देने वाले हैं। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात यह है कि गुरु आने वाली है मौज बहुत। तमाम ललन टॉप हस्तियां आ रही ललन टॉप अड्डे में, आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए। और हम ललन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है, वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी। और फ्री है एंट्री, लेकिन डाउनलोड करनी होगी ललन टॉप ऐप, फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में।